ऐसे लोगों की देश की जरूरत है, मानव की जरूरत है जो काम करना जानते हो, जो काम कराना जानते हो। अगर ये दोनों के दोनों काम करना काम कराना जानने वाले मिल गए, काम लेना ये मिल गए तो काम हो जाएगा। काम लेने वाले मिलते नहीं, काम करने वाले मिलते नहीं। और आप इसलिए ये इतना बड़ा इस मैदान में, वैसे तो इस मैदान में और भी गांव रखते हैं, अमोदी गांव नहीं रखता है, और भी पास में उससे भी बहुत साल है और उसकी भी महिमा है। ये नहीं किस गांव की भूमि में ये इतना बड़ा भूमि जो तक इतिहास कास्ता वो कागज संगठन सम्मेलन हो रहा, ये भूमि की पूरी समूची भूमि की महिमा है। इसको लोग चिरकाल तक याद करेंगे, आज नहीं थोड़े दिनों में बड़ी खोज और बड़ा रिसर्च होगा। इसका साल हुई थी, इसका भूमि जो तक इतिहास कास्तकारों के संगठन सम्मेलन कहां पर काम का शुरू हुआ, फिर दूसरा काम हुआ, फिर तीसरा काम हुआ, बड़े रिसर्च बड़े बड़े विकलांग इसको करेंगे। चलो कीजिएगा, मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, लेकिन इतनी बात जरूर है कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं होता। हमने अंग्रेजों का जमाना देखा, जब सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ था तब भी हमने देखा, जब सत्याग्रह शुरू हो गया देश को आजादी के लिए, उस समय पर तरह तरह के आंदोलन कल लोगों ने जाने दिए, उन विचारों ने जाने अपने देश के लिए दी कि देश आजाद हो जाए और देश हमारा फले और पूरे, देश में न्याय और रक्षा मिले, देश संबंध सब खुशहाल और होना हो जाए। हमने वो भी जमाना देखा, ठीक तौर सत्य देखा, ठीक है हिंदू मुसलमान इन सब लोगों ने पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोगों ने कास्तकारों ने पूरा सहयोग किया कि अपना देश आजाद हो जाए और आजाद 48 में आजादी मिल गई। जब ये 48 में आजादी मिली तो पूरे हिन्दुस्तान में 5,000 भी खत्म करने वाले नहीं थे, ये हमने देखा। जब लोगों से कहा गया कि आजादी मिल गई आप लोग अब खत्म कर लो तो कहें अब उसका घर बर्बाद नहीं करेंगे, घर बर्बाद नहीं करेंगे, इतना आतंक था हमने देखा। 40 साल हो गए आजादी मिले, मैंने वो भी पूरा देखा, मैं चुपचाप था देख रहा था, वो भी जमाना पहले का भी और ये भी क्या ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या मिलेगा अब अच्छा मिलेगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ज्यादा पूरा हो जाएगा, अब जो कहते हैं कर देंगे, लेकिन वो साफ ऋतु का यह हो गया। 5,048 में खदर करने वाले हिन्दुस्तान भर में नहीं थे और एक इनकी आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने तरफ कर दिया। ठीक है, 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बनवाने में, ताज उनको लेने इकट्ठा करने में फिलाने में देर लगे होंगे, लेकिन आवाज एक लगाई कि बच्चों ये कपड़े उतार दो और ये तुम टाट गोरा दूध कर लो और 1 करोड़ ने दूध कर लिया, सब तैयारियां सकती, क्योंकि उनको घर भी देखना, जानवर भी देखने, बच्चे भी देखने, कोई बीमार भी देखना, तुम कहोगे 1 करोड़ ने जो टाट कर लिया सभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं, जानवर भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, बीमार भी देखेंगे, घर को भी देखेंगे और खेत को भी देखेंगे, तो वो तो सब इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इनसे ही आप अनुमान लगा लीजिए 1 करोड़ आदमियों ने हिन्दुस्तान में टाट कर लिया। आजादी के वक्त में इस प्रजातंत्र में भारत के लोग 1 करोड़ लगातार 1 दिन की आवाज पर तैर रहे और हिन्दुस्तान का रेडियो और अखबार बिल्कुल चुपचाप और चकाचौंध बने रहे, तो परिवर्तन अखबार रेडियो से नहीं होता। बगैर अखबार और रेडियो के देश में आपको परिवर्तन दिखा दिया जाएगा,
केवल 6 महीने का मौका दीजिए और वो जो संगठन का जो संविधान है इसका जो असली काम है मुझे 6 महीने इन पांच वालों से करवाने भी दीजिए। भूम जो तक छिपियर का काम ये संगठन सम्मेलन और मुझे जरा सा इन रहे कार्यकालों के कारों पर अपनी आवाज को पहुंचाने में दीजिए और 6 महीने के बाद जो 7वां महीना लगे तब आज उससे मिलिएगा। आप घबराए नहीं, आपके सामने आपकी तकलीफ मेरे दिल पर अंगार बन गई। मुझे रात को चैन नहीं दी, को जितना माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं तड़पते, बीमारी में इतना उनको दुख नहीं होता, उससे लाखों करोड़ों गुना मुझे तकलीफ। रामायण में लिखा है कि साधु वही है जो दूसरों के दुखों को देखकर दुर्वित होते हैं और जो दूसरों के दुखों को देखकर दुर्वित नहीं होते हैं वो साधु नहीं है। 1 करोड़ साधु देश में जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, अगर वही लोग गांव गांव में चले जाते और वास्तविकता का वो लोग संदेश देते तो आज भारत की जनता इतने जटिल और अंधकार समस्याओं में चारों तरफ लग जाती और सब लोग इनको ठगते नहीं। आज सब लोगों ने इनको लालच देकर इन चारों को ठग लिया, इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ये हर तरह से हताश हो गए, इनका बल चला गया, पड़ोस चला गया, इनका जो कुछ भी मेहनत थी वो भी गई, इनके विचार भी गए, अभी आसान हो गए और भूम देवता क्षेत्र खासकर ये अपना संगठन नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमने पहले से ही जिनको ट्रस्ट करा दिया और इनको आदेश दे दिया है कि तुम मिट्टी में मिल जाओ, अरे करो तुम मिट्टी में मिल जाओ, तुम फूलों को खा लो, इस मिट्टी को खा करके भी तुम चिंता होगे, लेकिन तुम इस भूम के पक्ष के काश्तकारों के पास ऐसी मेहनत कर दो कि सारे देश के काश्तकार एकदम जाग जाए और अपने वास्तविक झंडे को अपने हाथ में ले लें। ऐसी मेहनत करके और आपका ये संगठन पूरा पूरा तैयार किए देता हूं और मैं आपको ये वचन झंडे भरा त्रिवक्त में देने जो बराबर से भरा गया उसने वचन दिया है कि हिन्दुस्तान के भूम देवता क्षेत्रीय काश्तकारों ने अपना झंडा अपने हाथ में ले लिया तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जितने भी हिन्दुस्तान में झंडे हैं ये सब अपनी खुशी से फेंक देंगे और भूम देवता क्षेत्रीय काश्तकारों के झंडे के नीचे सबसे सब खड़े हो जाएंगे। फिर मैं ये दिखाऊंगा मैं हिन्दुस्तान की जितनी सत्ता जो दिल्ली में इस तरह पर राष्ट्र संग्रह हो रही है, एकत्रित हो रही है और मनमानी वो सत्ता भूम देवता क्षेत्रीय काश्तकारों के साथ ये हमारे जो काम कर रही है जिससे तकलीफ हो रही है, अगर बाबा जी की बात को आपने मान लिया और अपने झंडे को आपने हाथ में ले लिया तो मैं ये दिल्ली की सत्ता ये गांव गांव में भूम देवताओं के पास में इनको वापस लौट आकर के दिखा दी जाएगी। लेकिन फिर कोई कैसे बदमाशी करता है, कैसे कोई बदमाशी फिर करता है, फिर सही काम होंगे, सही व्यवस्था होगी, सही काम होंगे, सही त्याग होगा और सही दृष्टि है, सही न्याय होगा, सही रक्षा होगी, फिर ये गड़बड़ी का काम नहीं होगा। अभी जो देख रहे मैं फिर इस बात आपको दोबारा दोहरा दूं, बंबई शताब्दी समारोह में वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया आपके मंच पर कि हमारी सरकार भ्रष्ट है।